देखिए कुछ तो लंबा पड़ेगा. यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर. अरे त्रिभुज के यह तीनों शीर्ष है तो इंटीग्रेशन विधि से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं कहाँ पड़ेगा. -1 0 एक दस को पड़ेगा यहाँ, क्या यहाँ ले लेते हैं -1 0 इसका नाम हम जीरो वन पर थ्री वन पर थ्री यहाँ पड़ेगा अंदर से वन पर थ्री ये हो गया. ठीक है, अब है क्या थ्री पर टू ये हुआ. अब इसी को मिला लेते हैं और बन गया ये कौन सी त्रिभुज बना. इसी का एरिया अब आपको निकालना है. देखिए यहाँ इस बिंदु का एक पूर्ण क्या है तो हम यहाँ से लंब गिरा सकते हैं. इस लंब का समीकरण क्या हो जाएगा, इस बिंदु का एक पूर्ण यह हो जाएगा. इसका समीकरण एक बराबर इसका एक पूर्ण एक बराबर. ठीक है, आपको यह त्रिभुज का एरिया निकालना है. करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक हम एरिया निकालेंगे इस लाइन का. तो इस लाइन के एरिया निकालने से जानते हैं कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर एक तक. तो इस क्षेत्र जो है इस लाइन के नीचे का क्षेत्र ज्यादा उसमें पड़े. ठीक है, हमको एरिया निकालना है इस त्रिभुज का. तरीका कैसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिमिट के लिए इस लाइन के एरिया निकालेंगे उसका एरिया आ जाएगा यहाँ तक है पूरा. ठीक है, फिर इस लाइन यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के एरिया निकालेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ से पूरा. तो ये क्षेत्र जो खाली दिखाई दे रहा है ये तो उसमें ज्यादा हो गया. तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन के एरिया निकाल